फ्रेंड्स, मेरा नाम एके फ्रीडी है। मेरे सामने आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत। तो दोस्तों, जी हाँ, एनसीसी का जो भी कैंडिडेट है उन लोगों का अब नौकरी मिलना और भी आसान हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में एक नोटिस जारी हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट को बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो दोस्तों, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, किस तरह से आप लोगों को नौकरी मिलेगा, तो दोस्तों मैं सब कुछ अभी आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपने एनसीसी करके रखा है तो दोस्तों आप लोग का जो भी सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट हो, बी सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट हो, जो भी सब सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, मैं आप लोग को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप अभी समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऑल इंडिया लेवल तक मैं वो सभी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता हूँ। दोस्तों, जो भी नौकरी की इन्फॉर्मेशन हो या उसके बारे में हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, मैं सब कुछ वो वीडियो प्रोवाइड कराता हो जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो दोस्तों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ना और बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, दोस्तों जो एनसीसी होता है, दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट को ये पता नहीं होगा दोस्तों ये एनसीसी होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये समझाने चाहता हूं कि एनसीसी का जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। दोस्तों, एनसीसी का काम क्या होता है, दोस्तों जब आप लगभग क्लास एट स्टैंडर्ड से दोस्तों एनसीसी कर सकते हो, क्लास एट स्टैंडर्ड से यानी कि स्कूल लेवल से आप एनसीसी कर सकते हो। सभी स्कूलों में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई कई ऐसा स्कूल है जिस स्कूल में एनसीसी होता है। तो दोस्तों, आप क्लास एट की लेवल से आप एनसीसी कर सकते हो। दोस्तों, एनसीसी करने से आप अगर जब क्लास एट में आप एडमिशन लोगे, उसके बाद दोस्तों एनसीसी का कैंप होता है, एक एक कैंप में 10 डेज का कैंप होता है, उसी कैंप के बीच में आपका एग्जाम होता है, जैसे कि सर्टिफिकेट का। दोस्तों, 3 सर्टिफिकेट होता है एनसीसी में, जैसे ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। तो आप लोगों को शायद ये पता होगा दोस्तों, जो सी वाला सर्टिफिकेट है, एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हो तो आपका इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा रनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपका फिजिकल सबका एक जैसा नहीं रहता है, इसीलिए आपको फिजिकल में रनिंग करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका कोई भी रिटर्न देने का जरूरत नहीं है, वो जो बेनिफिट्स मिलता था वो सिर्फ इंडियन आर्मी में मिलता था, और दोस्तों आप नेवी में मिलता था और एयरफोर्स में मिलता, उसके अलावा कोई भी डिफेंस में आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अभी कुछ दिनों में जो नोटिस जारी हुआ है, जिसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, अभी जो नोटिस है उसमें यह बताया जा रहा है कि दोस्तों अभी आपका कोई भी ऐसा डिफेंस हो तो उसके बाद आपको वो बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे पैरामिलिट्री होता है। तो दोस्तों, पैरामिलिट्री में बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं दोस्तों, जैसे इंडियन आर्मी में बेनिफिट्स मिलता है, यानी कि आपको सी सर्टिफिकेट होने से इंडियन आर्मी में आपको जो जीडी होता है या ट्रेडमैन होता है, उसमें आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होता है, बस रनिंग पास करने से आपका नौकरी हो जाता है। और उसी के साथ नेवी में भी ऐसा है और एयरफोर्स में भी ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अभी पैरामिलिट्री में आपको ऐसा कोई बेनिफिट्स मिलता नहीं था, ठीक है। अभी यह आया है, अभी जो पैरामिलिट्री होता है, पैरामिलिट्री में क्या क्या फोर्स होता है, बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, एसएसबी होता है, आईटीबीपी होता है। दोस्तों, इसी की वजह से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें भी वो बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, वो आपको लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्सेस में पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब वो भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, किस तरह से वो बेनिफिट्स आपको मिलेगा, मैं आपको नोटिस कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा के समझाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी जो भी मुझे पता है वो अभी आप लोग को डायरेक्ट ऐसे बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आपको आसाम पुलिस में भी आपको बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा दोस्तों, एनसीसी का जो भी सर्टिफिकेट है उसकी वजह से आसाम पुलिस में भी बेनिफिट्स मिलता है दोस्तों। लेकिन अभी जो नोटिस आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि दोस्तों जो सीआरपीएफ यानी कि दोस्तों एसएससी जीडी में जो भी फोर्सेस है पैरामिलिट्री का, उन सभी फोर्सों में आपको वो एनसीसी का बेनिफिट्स मिलेगा। और दोस्तों, जो एसएससी के अंदर आता है दोस्तों, जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का एसएससी के अंदर जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट निकलता है, उसमें भी वो बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, कौन सा सर्टिफिकेट में क्या बेनिफिट्स, यानी कि दोस्तों जो बेनिफिट्स मिलता है, बेनिफिट्स का मतलब ये होता है आपका कुछ मार्क प्लस हो जाता है। जैसे कि आपका अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है आपके पास, तो आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। मान लीजिए आपने फिजिकल में 100 मार्क मिला है आपको फिजिकल में, तो आपका अगर 20 मार्क इसी ऐसे ही एक्स्ट्रा मिल जाता है तो दोस्तों आपको नौकरी हो ही जाएगा। तो इसी की तो आपको मिलता है नौकरी, ठीक है। तो दोस्तों, अभी जो जो इन्फॉर्मेशन आया, जो पैरामिलिट्री में आपको बेनिफिट्स मिलेगा दोस्तों, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट होता है तो आपको क्या होगा, 5% मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, 5% मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को 3 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा दोस्तों वो परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा, 3% मार्क आपको मिलेगा सॉरी आपका जो भी मार्क आपको एग्जाम में मिलेगा, मान लीजिए आपको एग्जाम में
100 में से 70 मार्क मिला है, उस 70 मार्क में से 5% मार्क जितना बनता है वो मार्क आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जो सी सर्टिफिकेट वालों को। और दोस्तों जो बी सर्टिफिकेट वाला है उसको भी उसी तरह से मिलेगा दोस्तों, आपका एग्जाम में जितना मार्क मिलता है उसकी रिगार्डिंग जितना मार्क मिलता है उसका 5% मार्क एक्स्ट्रा को मिलेगा अगर सी सर्टिफिकेट हो। अगर टू एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप लोग को 3% एक्स्ट्रा मिलेगा जितना आपका मार्क मिलता है उससे। और दोस्तों अगर आपके पास सी ए सर्टिफिकेट है तो आप लोग को 2% मार्क मिलेगा जितना आपका मार्क मिलता है एग्जाम में उसका 2% मार्क मिलेगा अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों यही था अपडेट दोस्तों, ये आप लोगों के लिए अच्छा न्यूज़ है क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम जो होता है उसमें दोस्तों 0.01 मार्क भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दोस्तों जीरो हाफ एंड जीरो मार्क्स से दोस्तों नौकरी नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों आपको जो बेनिफिट्स अभी मिल रहा है एनसीसी की सर्टिफिकेट की वजह से, तो दोस्तों आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है एबीसी सबके बारे में आपको सर्टिफिकेट में बेनिफिट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे कहते हैं ये सोचेगा कि ये सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से, दोस्तों आप स्कूल में आप पता करो, अगर आप कॉलेज लेवल तक हो तो कॉलेज में भी आपको एनसीसी होता है उसमें आपको पूछताछ करो। अगर आपका कॉलेज में नहीं है तो आपका नज़दीक में जो भी ऐसा कॉलेज है जिसमें एनसीसी किया जाता है उसको जो एनसीसी का जो मास्टर होता है उसको आप बात करिए कि सर मैं आपका स्कूल में या आपका कॉलेज में एनसीसी करना चाहता हूँ, सर मुझे एडमिशन दीजिए, इसी तरह से आपको सिफारिश करने से शायद मिल सकता है एनसीसी का। तो दोस्तों यही था इन्फॉर्मेशन, यानी कि एनसीसी का सर्टिफिकेट के वजह से आपको जो भी बेनिफिट्स मिलेगा मैंने अभी आपको बता दिया। फिर भी आप लोगों को जो नोटिस आए वो नोटिस अभी कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाके आप लोगों को दिखा के एक बार फिर से बताने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों मैंने जो अभी अभी बताया दोस्तों ये देख सकते हैं वो है वो नोटिस जारी हुआ है, जो नोटिस जारी हुआ है वो नोटिस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो दोस्तों प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है और ये न्यू दिल्ली मार्च 2020 में ये नोटिस जारी हुआ है। आप देख सकते हो मोदी गवर्नमेंट टेक्स इंपॉर्टेंट स्टेप टू इनकरेज एनसीसी सर्टिफिकेट्स होल्डर टू ज्वाइनिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी कि दोस्तों जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वो एनसीसी कैंडिडेट्स का जो मैंने एक अच्छा सा एक स्टेप लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स टू गेट बोनस मार्क इन द कमिंग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर द सब इंस्पेक्टर एंड कॉन्स्टेबल इन CRPFs। तो दोस्तों CRPFs ये मतलब दोस्तों जो SSC GD होता है इसमें दोस्तों जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है उसमें भी आप लोगों को बोनस मार्क मिलेगा। और दोस्तों जो कॉन्स्टेबल यानी कि दोस्तों जो GD होता है यानी कि दोस्तों ITP CISF BSF SSB जो होता है उसको भी बेनिफिट्स मिलेगा, इधर आप देख सकते हो नोट्स में, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजर्स टू स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एंड इनकरेज NCC सर्टिफिकेट्स होल्डर इन द डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन फॉर द एरर रेस्पेक्टिव पुलिस फोर्सेज, यानी कि दोस्तों आपका जो भी पुलिस फोर्सेज है उसमें भी आप लोगों को कुछ बोनस मार्क मिलेगा ऑल स्टेट्स का, यानी कि दोस्तों ऑल इंडिया में ये नोटिस लागू होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपको बेनिफिट्स मिलेगा आप देख सकते हो दोस्तों जो एनसीसी के बारे में, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसके वजह से जो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपका एग्जाम में जितना मार्क मिलता है उस मार्क का 5% मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों जो अगर आपको बी सर्टिफिकेट का मार्क्स हासिल करना चाहते हो दोस्तों, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आपका एग्जाम में जितना मार्क मिलता है उसका 3% मार्क मिलेगा अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट हो। तो दोस्तों वो इसी के साथ दोस्तों आपका जो भी एग्जाम है डिफेंस का जितना आपको मार्क मिलता है उसका 2% मार्क मिलेगा अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी की तरह से आपको बोनस आप लोगों को मिल जाएगा। आप इंडिया की कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप पैरामिलिट्री में जाना चाहते हो तो अभी आप लोगों को ये नोटिस आ गया है दोस्तों। वैसे तो इंडियन आर्मी हो या आसाम पुलिस हो उसमें बेनिफिट्स मिलता ही है, ठीक है, नेवी हो या एयरफोर्स हो। तो दोस्तों आई होप आपको अभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ये नोटिस देख सकते हो दोस्तों, यही नोटिस जारी हुआ है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।